हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति के लिए खास होगा इस बार का बजट। जी हाँ, यह कहना है हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का। गुरुग्राम में एक कार्यक्रम में भाग लेने पहुँचे वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार का बजट बीते 4 सालों में सबके साथ अच्छा होगा। इस बार के बजट में सबका साथ सबका विकास की झलक देखने को मिलेगी। वहीं कल प्रदेश में हुई बारिश व ओलावृष्टि से फसली नुकसान पर वित्त मंत्री ने कहा कि 4 सालों में केंद्र सरकार ने रिकॉर्ड कायम करते हुए किसानों के नुकसान का 10 गुना मुआवजा दिए जाने का काम किया है। भाजपा सरकार ने कभी भी किसानों की मुसीबत के समय उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। इस बार भी नुकसान का आकलन कर बेहतर मुआवजे की घोषणा जल्द की जाएगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय चौटाला के आरोपों पर पलटवार करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, INLD की पारिवारिक लड़ाई सरेराह चल रही है, ऐसे में वे इस मामले पर कोई जवाब नहीं देना चाहते। साथ ही वित्त मंत्री की माने तो भगवान किसी के घर में झगड़े न करवाए, ऐसा मानना जरूर है। सर, बजट आने वाला है, क्या कुछ खास है इस बार हरियाणा की जनता के लिए? पिछले 4 वर्षों में जिस प्रकार से हरियाणा की जनता की सेवा करने का प्रयास हमने किया है, उसी तर्ज पर सबका साथ सबका विकास की नीति को साकार करते हुए, हरियाणा एक हरियाणवी एक के संकल्प को साकार करते हुए, हम हरियाणा के प्रत्येक व्यक्ति को स्पर्श करने वाला कि हरियाणा का प्रत्येक घर ये महसूस करे कि इस बजट में उसका कुछ न कुछ उसके लिए है, ऐसा बजट जैसे पहले प्रस्तुत किया है हम उसको उसी प्रकार से प्रस्तुत करने वाले हैं। सर, अपनी सरकार ने किसानों को लेकर आपके पास बजट के अंदर बहुत सारे प्रावधान रखे हैं और कल जिस तरह से बारिश हुई है, क्या कुछ राहत देने की जो है पहल करने वाली हरियाणा सरकार? देखिए, पिछले 4 साल के अंदर हमने एक रिकॉर्ड बनाया, कीर्तिमान बनाया है। अतीत की सरकारों की तुलना में हमने 10 गुना किसानों को प्राकृतिक कारणों से हुई फसल के नुकसान का मुआवजा प्रति वर्ष देने का काम किया है। तो वहीं किसान के किसी भी विषय को लेकर के हम लगातार 24 घंटे सजग और सावधान रहते हैं और 4 साल में किसान को किसी तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ा, बल्कि उसके साथ खड़े होकर उसकी मदद करने का काम किया है। तो हम कहीं पर भी किसान को कोई तकलीफ होगी उसके साथ खड़े होंगे। सर, अभी छोटा सा दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले दुष्यंत के लिए ओपी धनखड़ और कैप्टन अभिमन्यु से समझौता किया गया था। अब मैं इस पर क्या कहूँ, अब उनके परिवार के झगड़े में वो बर्तन भांडे बाहर तक जा रहे हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। कि मैं इतना जरूर कहूंगा कि परमपिता परमात्मा किसी के भी परिवार में झगड़े ना करवाए और हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि सब परिवार इकट्ठा रहें और इकट्ठे मिलजुल कर चलते रहें।